सबसे बड़ा दांत इसी का होता है। पहचानना सीखे। तो दोस्तों हम लोग आ जाए हैं जैना मोड़ हॉस्पिटल, जो हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल है। ये जैना मोड़ में हम लोग आए हैं, सांप को देखा गया है, कहाँ पर बैठा हुआ है वही सांप को अभी तलाशेंगे। और ये बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत पड़ता है। आप वीडियो में बने रहे, कंटिन्यू हम दिखाते हैं कौन सा सांप कहाँ पर। जी ये रसल वाइपर है दोस्तों, इसको देख सकते हैं जाली के ऊपर है। तो ये जल्दी भागेगा नहीं, ऐसा ही कुंडली मार के बैठा रहता है, ठीक ना। कोई भी आदमी बहुत ये दिखने बहुत कम आता है, जमीन का ही कलर ये ज्यादा रहता है, ठीक ना। और इस पर आप जाएंगे तो ये अगर इतना दूर में रहेंगे उसको काटने का मन रहेगा तो 3 फीट तक वो उछल के जंप करके काट के फिर बैठ जाएगा उसे। यानी राउंड शेप में बना, यानी ये खतरा पोजिशन है। ये देखो, अच्छा बिग साइज का ये रसल वाइपर है, हम लोग सियार चांदा बोलते हैं। मेरा इसका महादेश में सबसे खतरनाक सांप इसी को माना जाता है। इसका काटा अगर तुरंत हॉस्पिटल जाएं तो आप बच सकते हैं, अगर झाड़ फूक के चक्कर में गए तो आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसका इलाज एक ही है, आप जिला हॉस्पिटल जितना जल्द हो सके आप जिला हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें। और ये टाइम मत गंवाएं कि हमको झाड़ फूक कराएगा, झाड़ फूक कराने के चक्कर में आप मारे जाइएगा। ऐसा ऐसा सांप काटने पर झाड़ फूक वाला नहीं बचा पाएगा, और झाड़ फूक वाला वो उसी को बचाएगा जो बिना जहर वाला सांप काटता है, उसी को झाड़ फूक से इलाज से वो बच जाता है, ठीक है। दोस्तों पहले हम लोग इसको निकालते हैं, और इसका ज़्यादातर जोड़ी में रहता है। उधर से आया है, और ये साइज में बहुत, इसका देखिए कुंडली मार के बैठा हुआ है। और ये ठंडा का मौसम आया है ना, अब आए दिन इधर उधर ये निकलते देखा जाएगा। ये बाबू उसमें थैली को निकाल, बिल्कुल ईटा लगाओ जैसे हम लोग लगाते हैं। ये रसल वाइपर है, ये इसको कथा में बोलते हैं सियार चंदा। अरे बाप रे भाई, तो बहुत बड़ा है और बिग साइज का दोस्तों सियार रसल वाइपर। इसको हम लोग भी पकड़ते हैं ना तो बहुत एहतियात से। चलो बाबू ठीक है, कहाँ दोस्तों और एक बार बोल रहे हैं, ऐसा सांप काटे तो झाड़ फूक पर एकदम बिल्कुल ना जाएं, आप डॉक्टरी सहारा ले आप बच सकते हैं। लगा मीटर लगा बाबू। और इसका दांत जितना भी अभी हम लोग ऐसे महादेश में जहरीला सांप है, सबसे बड़ा दांत इसी का होता है। लगा मीटर लगा। ये तो 5 साल पुराना सांप होगा। हाँ ही होगा, ये सियार चंदा ठीक ठीक है। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, चले जाइए, आप लोग जाइए, चलिए जाइए वहाँ, उनको उनको समय जाए हम लोग बस। ठीक है ठीक है, क्योंकि हम लोग समय जाइए बन गया बोलो। रुकिएगा सबको, आप लोग और सामने जाए थोड़ा। अगला मरीज को इलाज करना है, सुनिए देख थोड़ा समझे ना, रुकिएगा तो हिलाइएगा नहीं। उठा लीजिए, इसका पहचान जो इसका निशान हम लोग को वीडियो बनाने का मकसद रहता है कि आदमी जागरूक हो, ठीक है, सांप को पहचानना सीखे। हम लोग देखते ही बोला कि छपा हुआ है ना, बहुत लोग करने से ब्लॉक कर, यहाँ बहुत लोग ट्रेंड हो गए, लोग रीड करता है। हो गया फिर सर, अरे इसको कट।
अब हम लोग पैक करेंगे। पाँच सौ से प्लस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग फाइनली पैक कर चुके हैं गुलाम। अब इसको जाएंगे जंगल झाड़ी की तरफ, यानी आबादी ना हो दूर दूर तक, वहाँ पर जाके इसको आज़ाद की ज़िंदगी फिर से जीने का मौका देंगे। और दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी बेजबान को बचाते हुए, तब तक से जय हिंद जय भारत।